उम्मीद करता था करीब से होंगे। अभी हम लोग आए हैं मुल्तान शहर में और यहाँ पे भी हम लोग जा रहे हैं मेट्रो के अंदर। मेट्रो के बाद हम लोग जाएंगे चौक कुमारा से रिक्शा पकड़ेंगे और रात जाएंगे। इस वेब जनाब मेट्रो के जनाब सीढ़े के ऊपर चढ़ रहा है शैंटी बेटा स्माइल ले रहे हैं। भाई के शॉपर देखे ये हम लोग जनाब बिहारी चौक पे मेट्रो स्टेशन में बैठे हुए हैं। जैसा वेट कर रहे हैं कैसा फील हो रहा है? बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा मैं ड्यूटी पे था, ड्यूटी से फ्री हूँ। ड्यूटी से फ्री होने के बाद यहाँ पे इसके मामू का घर है बिहारी में, उसको वहाँ से पिक किया, उसके बाद बस में और अभी हम लोग मेट्रो स्टेशन पे बैठे हुए अभी हम लोग व्याड़ी चौक से चौक कुमारा की तरफ जाने भ्रमा तमा है हमारा सफर मेट्रो बस के अंदर। चौक कुमारा से उतरने के फौरन बाद जेब भाई ने किया नाश्ते का प्लान। अभी नाश्ता करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं चौक कुमारा में और अभी नाश्ते का वेट कर रहे हैं। इन्होंने जनाब करवाया अभी हलीम चने और साथ में क्या करवाया नान। गुड। अभी हमें वावड़ा चौक से रिसीव करने के लिए अली माविया भाई हैं जो हमें वावड़ा कॉलोनी के अंदर लेके जा रहे हैं। अभी ये माविया भाई ने जनाब हमारे लिए चाय और बेहतरीन सुपर बिस्कुट मंगवाए हैं। ये जेब जो है ये लड़कियों की तरह क्या कर रहे हैं ये खुद चाय बनाकर हमें और साथ में ड्राई फ्रूट्स वाली पीनियां जिन्होंने चाय का मजा दोबाला कर दिया। ये अभी हसन भाई आए हमसे मिलने के लिए, काफी दिनों से बिछड़े हुए थे आपस में तो इसलिए मिले गले मिलके। ईद मुबारक। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और हसन भाई ने हमें बताए बगैर अचानक से जल्दी से खाना तैयार करवा लिया और अपने हमें अपने घर पे बुला लिया। हम लोग खाना खाने के बाद निकल जाएंगे इंशाल्लाह। शाम होने वाली है 4 बजे का इस टाइम तकरीबन टाइम है। और आजकल हसन MBBS कर रहा है मतलब के डॉक्टर बन रहा है। अल्लाह पाक इसे कामयाब करे और इसी तरह हम सब की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। माविया दिल से दुआ दे रहा है हसन को। अली माविया कह रहा है हसन भाई ने आज बहुत ज्यादा तकल्लुफ कर दिया और इसलिए आज रात को हम लोग यहाँ पे रुक जाए, लेकिन मेरा यहाँ पे रुकना आज रात थोड़ा सा मुश्किल है। बहुत ही डिलीशियस और मजे का लग रहा है। तो मेरे साथ मौजूद है दलाल और साथ मौजूद है हसन भाई जो कि हमारे मेजबान है। हसन भाई के सबके साथ बेहद मोहब्बत है, सबको जबरदस्ती सर्व कर रहे हैं। यार भाई मेरे वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिए यार। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार। हसन भाई अपने लिए ब्रेड भर रहे हैं, मेहमानों को यहाँ पे बिठाया हुआ है। चलो और डाल दो, और डाल दो, भरते 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 जैसे मुझे निकालने नहीं आते। मोए मोए ये माविया भाई हैं, हम इनके भी बेहद मशहूर जिन्होंने हसन भाई के खाने को एक दाद दी। और ये जैब भाई हैं और ये हसन भाई जो कि अपना iPhone 12 Pro Max हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तलब भाई हैं और माशाल्लाह खाना बहुत ही मज़े का और लजीज था। हम जनाब हसन भाई की बेहद मशहूर जिन्होंने हमें बहुत ही डिलीशियस और मज़े का खाना खिलाया और अपना iPhone 14 12 Pro Max दिखाया। ये बकवास किसे कहते हैं जनाब? तला वकार साहब, तला साहब और जनाब अली माविया गुज्जर साहब जो कि बहुत मीठा इंसान है, ठीक बना खड़ा है और बहुत ही गेड़ी मतलब के बहुत ही प्यारे भाई हसन राज साहब का। और अभी घर वापसी जाने के लिए गाड़ी का वेट कर रहे हैं और सब छोड़ने के लिए आए हैं यहाँ पे। After 2000 year later, ये उमेर भाई हैं, उनके साथ असद भाई हैं। अभी शाम हो चुकी है, काफी देर हो चुकी है, हम इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी नहीं आ रही तो सब यही कह रहे हैं कि आज यहीं पे रुक जाते हैं। तो आज यही फिर सोच रहे हैं कि फोक पड़नी है, सर्दियों के दिन आपको पता छोटे होते हैं तो आज रात को हम लोग यहीं पे रुकने ही। अभी हम सब बस का वेट कर रहे हैं लेकिन बस जो है मैंने रोक दी है फिलहाल। मैं यार बस का क्या वजह क्यों नहीं आ रही है? आपको कितनी देर होगी यहाँ पे खड़े हुए? आज हमजा और तला की अम्मी अबू यहाँ पे नहीं है, वो शादी पे गए हुए हैं, वो अकेले हैं यहाँ पे घर पे। और हमजा भाई ने हमारे लिए बेहतरीन पुलाव बनाया है क्योंकि हम वापसी आ चुके हैं, रात को यहीं पे स्टे करेंगे। हमजा भाई ने अचानक से पुलाव बना लिए। मजा आ गया। हमजा भाई ने चावल बनाए, हमजा भाई शामी दा और बहुत मजे के बनाए ये। अच्छा, और बहुत डिलीशियस बनाए इन्होंने। ये हाफ शेफ भी होते हैं सही।
शरीफ भाई। हसन और उमैर लोग अभी जा रहे हैं क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। हसन ने कल कराची जाना है वापसी स्टडी के लिए। ये वलीद साजिद है जो कि बोल और सुन नहीं सकते बचपन से ही। अली मौवी ने मैसेज किया मेरा बताया तो वो फौरन से मिलने के लिए आ गया। अच्छा गूगल पिक्सल का सिर्फ कैमरा बहुत अच्छा है। और अभी चाय के बाद सोने लगे हैं। ये मुझे भाई अंडे बना रहे हैं और इनके मेरे अबू यहाँ पे नहीं है तो इसलिए यहाँ पे हमजा भाई सब कुछ कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं। और ये यार रात को उन्होंने चावल बहुत अच्छे बनाए थे। ये हमजा भाई चाय बना रहे हैं और ये वेले भाई तमाशा देख रहे हैं। यार बड़ा भाई है यार, देख ले कद वैसे तेरा थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ये माविया भाई है। अच्छा ये हमजा भाई ने अंडे बनाए हैं और साथ में दही है और साथ में साथ चने भी हैं और ये साथ में पराठे हैं। और ये माविया भाई हैं हमारे। माविया भाई क्या कह रहे हैं आप, परेशान क्यों हैं? मुझे लगता पाए नहीं है क्या? अभी सो के उठो ना। म्यूजिक भाई आप बैठो पहले। ठीक है चलो भाई सर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। हमजा ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब आना कहाँ तू? ये कौन सी गाड़ी? विड विडा 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 में हमजा लोग खड़े हुए हैं और मैं बैठा हूँ। हमजा भाई खाद फैक्ट्री के पास उतर गए थे। भीम लोग चौक कुमारा आ चुके हैं, चौक कुमारा मेट्रो स्टेशन। यहाँ से भी हम लोग बैठेंगे वैडी चौक के आगे। वैडी चौक से आगे इंशाल्लाह हम लोग फैसल मोड़ या कोई स्थान पर बैठ के अपनी मंजिल की तरफ रवाना होंगे। चौक कुमारा वाला मेट्रो स्टेशन जी। तो अभी हम लोग मेट्रो स्टेशन मेट्रो बस में आ चुके हैं। इस वक्त अभी मेट्रो बस से बैठेंगे और जाएंगे। अभी हम लोग फैसल मॉल के स्टेशन पे आए हैं। हमें यहाँ से गाड़ी नहीं मिली और इसलिए भी हम लोग कोस्तान के स्टेशन पे जाएंगे। गाड़ी तो मिली नहीं। कोस्तान की बसें सब बहुत ज़्यादा तंग करने लगी। एक गाड़ी एक घंटे के बाद डेढ़ घंटे के बाद निकलती है और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हर स्टॉप पे स्टॉप करती है, इसलिए वहाँ पे जाने का बिल्कुल मूड नहीं। मजबूरी है, अब क्या करें, जाना पड़ेगा। और आखिरकार हमें कोस्तान गाड़ी मिल चुकी है। तकरीबन 1 बजे का टाइम है और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ क्योंकि मैंने एक नाइट ड्यूटी की थी रात को, उसके बाद ट्रैवलिंग लगातार किए जा रहे हैं। हमें गाड़ी मिल चुकी है कोस्तान की और अभी हम लोग जा रहे हैं। परेशान है अब घर पहुंच के आकिब दौर से मुलाकात। आकिब दौर से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अभी हम लोग शहर उतरे हैं तो कजन ने कॉल की कि आ जाओ कौन की टीम का मैच हो रहा है, यहाँ से मैच देख के फिर कलर को चलते हैं। पिंक कलर के हमारे गांव वाले बोल हमारी टीम ने किया हुआ है और उसके बाद हमारा एक प्लेयर को रेड कार्ड हुआ है। हमारे 10 प्लेयर खेल रहे हैं और उनकी टीम के 11 प्लेयर खेल रहे हैं। पिंक कलर में हमारे गांव की टीम है जो कि गोल से इनको बढ़ती फिलहाल हासिल है। तलब भाई हैं जो कि एचपी बैंक में इनकी जॉब हो चुकी है। हम इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। जॉब से सीधा ड्यूटी से हैं यहाँ पे। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। और ये हमारी टीम ने दूसरा गोल किया और हमारी दरबार मार गया। बहुत ही शानदार गोल। ये सारा आधा से ज्यादा क्राउड हमारे गांव का और सारा क्राउड ग्राउंड में जा चुका है। यार मैच एंड क्यों नहीं हो रहा? यार हो रहा क्यों नहीं हो रहा? स्क्वायर शाम भाई सिर्फ 5 मिनट बस खत्म। कितना टाइम है आके? बस हो गया है। टाइम तो बढ़ गया 60 वालों का। रिसाल होगी भाई।
हमारी टीम 3-0 से मैच जीत चुकी है। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नए व्लॉग में नई जगह पर नए लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल देश परदेश, भैया कर दो सब्सक्राइब, कर दो यार मेहरबानी, कर दो यार सब्सक्राइब के बटन पर दबा दो, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, कर दो।